नौकरानी है वो उस घर की क्या? खुदा ना खास्ता नौकरानी क्यों, उस घर की बड़ी बहू है वो, वहां राज कर रही। बहू नहीं है, उस घर की बेबा है वो। आप हमजा की वजह से परेशान है ना? परेशान ना तो इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे हमजा की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, मैं नेहा के लिए परेशान हूँ। नेहा के लिए परेशान क्यों? वो भाईजान के घर में ठीक ठाक तो है, उसके लिए क्यों परेशान हो? हाँ ठीक ठाक है क्या? सारी जिंदगी उसने ऐसे ही गुजारनी है? तुम्हारे भाई के घर वालों की खिदमतें करते हुए नौकरानी है वो उस घर की क्या? खुदा ना खास्ता नौकरानी क्यों, उस घर की बड़ी बहू है वो, वहां राज कर रही। बहू नहीं है, उस घर की बेबा है वो। कौन सा राज कर रही है? महमूद आप कहना क्या चाहते हो? यही कि नेहा को उस घर में रहने की जरूरत नहीं है। पहले तो थोड़ा बहुत चांस था कि वो उस घर में बहू बन के रह जाती, लेकिन अब नहीं। कि आप अपने दिल की बातें इधर उधर घुमा फिरा के क्यों करते हैं? क्या बात है, साफ साफ करें। अरे भाई सीधी सी बात है, मैंने ये सोचा था कि उसकी शादी उसामा या काशिफ से हो जाएगी तो चलो उस घर की बहू रहेगी, लेकिन अब तो उन दोनों की शादियां पक्की हो चुकी हैं, इसलिए इसका तो कोई चांस नहीं, तो उसे वापस आ जाना चाहिए और उसे भी शादी करनी चाहिए। नेहा तो हरगिज इसके लिए नहीं मानेगी, आप इन बातों को बार बार क्यों दोहराते हैं? राजी तो हम करेंगे ना, लेकिन जाहिर है वहां बैठी रहेगी तो राजी थोड़ा ही कर सकते हैं, यहां आएगी तो उससे बात करेंगे ना। शादी तो उसे कर ही लेनी चाहिए, और उसका हिस्सा भी लेना है तुम्हारे भाई साहब से, जिसका वादा उन्होंने किया था। बस यही सोचता रहता हूं मैं। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.